बठिंडा दे मिलिट्री स्टेशन ते जबरदस्त फायरिंग हुई है। सवेरे 4:35 ते फायरिंग हुई है। दस्या जा रहा है कि 4 लोगों की इससे मौत भी हुई है। बहुत वड्डी गोलाबारी की गई है, पता लग गया सूत्रों तो हवाले तो। बहुत वड्डी खबर इस वक्त की, पंजाब की बहुत वड्डी खबर कही जा सकती है कि बठिंडा दे मिलिट्री स्टेशन च फायरिंग हुई है। मिलिट्री स्टेशन च फायरिंग हुई है, फायरिंग किसने की इस बारे फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, पर जल्द सूत्रों तो हवाले तो सब पता लग जाएगा, सब कुछ क्लीयर हो जाएगा, कुछ ही चंद मिनटों के क्लीयर हो जाएगा। क्विक रिएक्शन जरा उसका ऐलान कर दिता गया। इस वक्त की बहुत वड्डी खबर है, बठिंडा दे मिलिट्री स्टेशन दे उत्ते फायरिंग हुई है। 4 लोगों की मौत हुई दसी जा रही है, 4 लोगों की मौत हुई दसी जा रही है। तमाम जो जानकारी साढ़े तक पहुँच रही है, तुहाडे नाल पल पल की अपडेट साझी कर रहे हैं। बहुत वड्डी खबर कही जा सकती है। 4:35 ते फायरिंग हुई है। क्विक रिएक्शन जरा वो कर दिता गया। ऑपरेशन हाले भी जारी है, ऑपरेशन हाले भी जारी है। इस दे बारे तमाम जो जानकारी साढ़े तक पहुँच रही है, तुहाडे नाल जल्द साझी करते हैं। घटना च 4 लोगों की मौत हुई दसी जा रही है। 4:35 ते फायरिंग हुई है। क्विक रिएक्शन टीम जी है वो ले लिया गया है। पूरी घेराबंदी इलाके की कर दी गई है, पूरा इलाका सील कर दिता गया है। सर्च ऑपरेशन हाले भी जारी है। बठिंडा दे मिलिट्री स्टेशन च फायरिंग की घटना सामने आई है। 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बहुत वड्डी खबर पंजाब दे विच कीती जा सकती है। घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फायरिंग किसने कीती है फिलहाल हाले तक कोई जानकारी नहीं है। वड्डा प्लैन जिहड़ा ये कीता जा रहा सीगा, इस नूं लैके हुण ये सारा प्लैन जिहड़ा डिस्कलोज कर दिता गया है कि कोई अतवादी है जां फिर कोई गर्म ख्याली, जां फिर कह सकते हैं कोई कट्टरवाद, कोई अजिहे बंदे विच शामिल हो सकते हैं। तो हुण पता लग जाएगा देश विरोधी कोई गतिविधि तो नहीं पंजाब दे विच हो रही सी। ये सारिया चीज़ां क्लीयर हो जाणगियां। तो बहुत वड्डी खबर इस वक्त की कही जा सकती है। बठिंडा दे मिलिट्री स्टेशन च फायरिंग हुई है, गोलियां चलिया ने, 4 लोगों की मौत हुई दसी जा रही है। घटना च 4 लोगों की मौत हुई दसी जा रही है। क्विक रिएक्शन जिहड़ा है वह ले लिया गया है। सर्च ऑपरेशन हाले भी जारी है। और इस ऑपरेशन की गल की जाए तो इस बारे फिलहाल कोई जानकारी सामने निकल के नहीं आ रही है कि यह कौन कौन शख्स ने किन्हां ने यह सारा हमला किया है, और उन्होंने 4 जिन्होंने ये गोलीबारी की है कि उन्होंने फड़िया गया है ज नहीं। तो इस वक्त की बहुत वड्डी खबर कही जा सकती है। तो पल पल की अपडेट थोड़े नाल सांझी करांगे। ग्राउंड जीरो तो भी तस्वीर सामने आउणगियां, जल्द असीं थोड़े नाल तस्वीर भी सांझियां करांगे। और इस दे विच कितना कितना कहा जाए तो बहुत वड्डी खबर इस वक्त कही जा सकती है। पंजाब दे विच जो एक खबर चल रही है, इसने हर किसी दे लू कंडे खड़े कर दते ने पंजाब दे विच, या पूरे इलाके की गल की जाए तो इलाका पूरा सील कर दिता गया। तो बहुत वड्डी खबर है, मिलिट्री स्टेशन ते फायरिंग हुई है। बठिंडा दे मिलिट्री स्टेशन से गोलियां चलिया ने, 4 लोगों की मौत है, सारा इलाका सील कर दिता गया। लाइव अपडेट थोड़ा दे रहे हैं, लाइव खबर इस वक्त की वड्डी खबर कही जा सकती है। तो जल्द वड्डे खुलासे होणगे कि किसने फायरिंग की है, कौन इस दे विच कसूरवार है। और बहुत वड्डी गड़बड़ी जिहड़ी है होण लगी सी वो बचा ली गई है। बिल्कुल लोग कमेंट भी कर रहे हैं कुछ वड्डी गड़बड़ी होण वाली लगता है पंजाब दे विच। तां पंजाब की जिहड़ी पुलिस है, आर्मी है, ये सारे इस करके बैठे है कि कोई साडे मुल्क दे विच कोई अजिही वारदात नूं अंजाम नहीं दे सकता जिन्नी चिर इस मुल्क की पुलिस, इस मुल्क की सरकार पूरी तरह एक्टिव है। कोई भी शरारती अंसर अपने मनसूबियां नूं कामयाब नहीं कर सकता। तो इस दरम्यान जेकर एक घटना भी हुई है तो इस नूं समय सिर काबू पा लिया गया। बहुत वड्डी खबर इस वक्त की कही जा सकती है, बहुत ही मंदभागी खबर कही जा सकती है कि 4 लोग कौन ने जिन्हां दी मौत हुई है, कि वह मिलिट्री के जवान ने जा फिर कोई सिविलियन लोग सीगे। इस दे बारे फिलहाल जानकारी सामने नहीं आ रही है, पर इस वक्त की यह बहुत वड्डी खबर कही जा सकती है कि 4:35 फायरिंग हुई है, गोलाबारी हुई है बठिंडा दे मिलिट्री स्टेशन दे उत्ते, और 4 लोगों की मौत हुई दसी जा रही है। तो बहुत वड्डी खबर है, जल्द इस दे बारे तमाम अपडेट देवांगे कि कौन इस दे विच है, कौन जिहड़ा इस दे विच कसूरवार है, किसने ये फायरिंग की है। जल्द तुहाडे नाल उह खबर भी नशर करांगे। तो इस वक्त की बहुत वड्डी खबर असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां। बठिंडा दे मिलिट्री स्टेशन च फायरिंग हुई है, मिलिट्री स्टेशन च फायरिंग हुई है। फायरिंग किसने की इस बारे फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, पर जल्द
सूत्रा तो हवाले तो सब पता लग जाएगा, सब कुछ क्लीयर हो जाएगा, कुछ ही चंद मिनटा दे विच क्लीयर हो जाएगा। क्विक रिएक्शन जरा उसका ऐलान कर दिता गया। इस वक्त की बहुत वड्डी खबर है, बठिंडा दे मिलिट्री स्टेशन दे उत्ते फायरिंग हुई है, चार लोगों की मौत हुई दसी जा रही है, चार लोगों की मौत हुई दसी जा रही है। तमाम जो जानकारी साढ़े तक पहुँच रही है, तुहाडे नाल पल पल की अपडेट साझी कर रहे हैं। बहुत वड्डी खबर कही जा सकती है, 4:35 ये फायरिंग हुई है। क्विक रिएक्शन जरा वो कर दिता गया, ऑपरेशन हाले भी जारी है, ऑपरेशन हाले भी जारी है। इस दे बारे तमाम जो जानकारी साढ़े तक पहुँच रही है, तुहाडे नाल जल्द साझी करते हैं। घटना च चार लोगों की मौत हुई दसी जा रही है, 4:35 ये फायरिंग हुई है। क्विक रिएक्शन टीम जी है वो ले लिया गया है, पूरी घेराबंदी इलाके की कर दी गई है, पूरा इलाका सील कर दिता गया है। सर्च ऑपरेशन हाले भी जारी है। बठिंडा दे मिलिट्री स्टेशन च फायरिंग की घटना सामने आई है, चार लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बहुत वड्डी खबर पंजाब दे विच कीती जा सकती है, घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फायरिंग किसने की है फिलहाल हाले तक कोई जानकारी नहीं है। वड्डा प्लैन जिहड़ा कीता जा रहा सीगा, इस नूं लैके हुण ये सारा प्लैन जिहड़ा डिस्कलोज कर दिता गया है कि कोई अतवादी है जां फिर कोई गर्म ख्याली, जां फिर कह सकते हैं कोई कट्टरवाद, कोई अजिहे बंदे विच शामिल हो सकते हैं। तो हुण पता लग जाएगा, देश विरोधी कोई गतिविधि तो नहीं पंजाब दे विच हो रही सी।